जो लोग असफल होने से डरते हैं वह कभी सफलता का अनुभव नहीं करते। तो स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल अनोखा बिजनेस आइडिया। दोस्तों मैं अनीशंसु। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे इलायची का बिजनेस। दोस्तों इलायची का बिजनेस काफ़ी लोग इंडिया में कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ इलायची सस्ता मिलता है, कहाँ महंगा मिलता है, कितने तरह के होते हैं, आप इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, कितने तरह से कर सकते हैं, माल कहाँ से लेंगे, इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कहाँ कहाँ सेल करेंगे, ये सब बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया में सबसे ज़्यादा इलायची 3 स्टेट में पाया सबसे ज़्यादा होता है। केरला में सबसे ज़्यादा, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये 3 स्टेट में बहुत ज़्यादा इलायची होता है। इन 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है केरला। केरला के एक इडुकुरिक ज़िला है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलायची होता है। वहीं से इलायची दिल्ली में आता है, दिल्ली खड़ी बाबली मार्केट, ड्राई फ्रूट का सबसे बड़ा मार्केट दिल्ली खड़ी बाबली मार्केट, यहाँ पर भी ड्राई फ्रूट का सबसे बड़ा बाज़ार है। दोस्तों अगर बात करें इलायची का, तो इलायची के बहुत तरह आते हैं, इसमें बहुत सारे साइज होते हैं, 8 mm के होते हैं, 7 mm के होते हैं, 6 mm के होते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे साइज होते हैं, 8.1, 8.2 ऐसे करके। आप अगर इस बिजनेस में जाइएगा तो धीरे धीरे सब नॉलेज हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें, बहुत सारे बात करते हैं कि 4000 में लो, 400 में लो और 2000 में बेचो, 3000 में बेचो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको करना है तो आप अगर चाहें तो खड़ी बाबली मार्केट से भी दिल्ली से मंगवा सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेना है तो नहीं। अगर छोटी मात्रा में आपको अगर बिजनेस शुरू करना है तो आप अपने सिटी में भी खरीद सकते हैं। सिटी में जा कर के वहाँ की होलसेल पता करके आप ले सकते हैं, वहाँ से 2-5 किलो ले लीजिएगा, उसके बाद फिर चले आइएगा घर। उसके बाद फिर आपको एक पाउच लेना होगा, छोटा सा पाउच आता है, पाउच ले लीजिएगा, और उसका सीट आता है जो कि 12-12 उसमें पिनअप होता है, एक तो सीट ले लीजिएगा। और बात रह गया अपनी ब्रांडिंग कराना, तो ब्रांडिंग के लिए स्टिकर छपवा लीजिएगा, स्टिकर आता है जो कि पैकेट में साटने के लिए रहेगा, स्टिकर ले लीजिएगा और फिर इलायची को ला करके उसमें पैक कीजिएगा और फिर दुकान में सेल कीजिएगा, दुकानें सेल कीजिएगा, इसमें काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको होगा। अब बात करते हैं कि आपको कितना भी मिलेगा, तो आपको केरला का जहाँ तक हमको पता है रेट का, तो वहाँ पे 1500 से लेकर 2000 तक के मिलता है, और दिल्ली की बात करें तो वही 2200-2300-2500 यही रेट पड़ेगा आपको। और उसके बाद अगर आप 400-500 में मिलता है तो वो सब इलायची, बहुत सारा इलायची जो होता है, इलायची तो रहता है लेकिन ऊपर से कलरफुल किया, स्प्रे किया रहता है, इसमें लाइट ज़्यादा रहेगा लेकिन अंदर में कुछ नहीं रहता, उतना बढ़िया माल नहीं रहता है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अगर आप ध्यान दे के मार्केटिंग करते हैं तो आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा स्पीड ग्रो करेगा। और बात करें कि आपको इसमें कितना मुनाफा होगा, तो ये आपके सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि दिन भर में आप कितना सेल कर रहे हैं, जितना सेल कीजिएगा उतना ज़्यादा मुनाफा होगा। दोस्तों अगर आप कुछ कर गुजरने के अंदर से है तो आप कर सकते हैं। तो आज तक मेरा इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।